के खिलाफ है, फिर इमाम आउट हो जाते हैं, फिर बाबर आउट हो जाते हैं, मैच खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं पर आज वो पुराना पाकिस्तान दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की एक खासियत थी, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और जब जब पाकिस्तान की टीम की पीठ दीवार पर लगती है वो टीम फिर डेंजरस हो जाती है। अरसे से लग रहा था कि ये वाली टीम जो है शायद उस तरह की नहीं लग रही, बाबर पर बहुत डिपेंड करती है, रिजवान पर बहुत डिपेंड करती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं लग रहे थे। एंड द मोमेंट आप खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, अपने लिए तो डेंजरस है ही, सामने वाले के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये जीत उनके वर्ल्ड कप के कैंपेन को इंजेक्शन लगाएगी। क्यों? क्योंकि आप दो मैच खेले, आप भले ही दोनों टाइट मैच खेले, नेदरलैंड्स के खिलाफ आप रस्टी थे, श्रीलंका के खिलाफ आपने 350 रन खा लिए, लेकिन बाबर इमाम के रन ना बनाने के बावजूद पाकिस्तान दोनों मैच जीता है। तो पाकिस्तान को मिला क्या है? पाकिस्तान जानता है कि रिजवान उनके एक बड़े मैच विनर है, वो रहते हैं, लेकिन रिजवान ने आज जो 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ये अनबीटन 100 बना दिया, मैच निकाल के ले गए। रिंके सुल्तान ने पाकिस्तानी टीम को स्पेशल बाबर आजम को खबरदार किया है, जॉस बटलर को ऐसे इजी नहीं लें, इंग्लैंड की टीम को इजी मत लेना, क्योंकि वो कम बैक कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा जब गिरती है उसके बाद फिर उठने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तानी बैटर की तारीफ करनी होगी, फखर जमान ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया कीवी टीम का, इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको डट जाना चाहिए। बाबर आजम ने बहुत सपोर्ट की, उन्होंने 66 स्कोर बनाया और पाकिस्तानी टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और न्यूजीलैंड जो 401 बनाकर भी आउट हो गया। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो है रोशन है रास्ते, और पाकिस्तान को इंग्लैंड को जो है बड़े मार्जिन से हराना होगा, तकरीबन 130-135 के लगभग उसको हराना है, और पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल खेलेगा हिंदुस्तान के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और इंग्लैंड